भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अब लगने वाली है वॉट। भाई साहब भाई साहब, ये रोड में नदी है या नदी में रोड है? रुक जा भाई, इतनी जल्दी क्यों कर रहा है? भाई तू आगे जाने दे मुझे यार। थैंक यू। मोमेंटम बनाओ, मोमेंटम मोमेंटम बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, लौंडे बन रहा है। निकल गया, शाबाश शाबाश शाबाश, हो गया। बना 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 बना, निकल गया निकल गया निकल गया। अब ये ससुरा क्या आ गया, ढलान ही ढलान है, मतलब नई नई चीजें देखने को मिल रही है यहाँ पे। अब ये महाराज कहाँ को निकलेंगे? बाप रे, ओ बाप रे, भाई साहब झरना देखो, गजब। ओए लग गई यार बाइक में नीचे। सो हम क्रॉस कर रहे हैं वाटर क्रॉसिंग, सॉरी 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 स्लश क्रॉसिंग। ये स्लश है जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। क्या बात, यहाँ तो भरी भरी है। स्लिप मारी स्लिप मारी, भाई साहब हालत खराब हो गई है। अभी हम चल रहे हैं 100 किलोमीटर, अभी शायद 50-60 किलोमीटर और बाकी है, ज़्यादा भी हो सकता है, कह नहीं सकते। आराम से आराम से आराम से मोमेंटम बना के बस चलते जाओ।
ओ भाई साहब, मोमेंटम नहीं टूटना चाहिए। मोमेंटम टूट गया तो काम हो गया। एकदम खड़ी चढ़ाई है, ऊपर से कहीं कहीं में मिट्टी भी हो रही है। मोमेंटम बने रहना चाहिए। मोमेंटम 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 हो गया हो गया हो गया। मोमेंटम होगा हो गया। क्या बात, ओ माय गॉड। अब तैयारी की, पहले चढ़ाई फिर उतार। भाई साहब ये क्या बना रहे हैं, शायद से लाइट पहुंचा रहे हैं। बाय गॉड, बहुत भयंकर जा रहे हैं। तो ओ ओ ओ, यहाँ तो और ज्यादा कीचड़ हो रही है। हाँ, यहाँ से बस निकल गई होगी ना, गड्ढा करके चली गई। भाई साहब इसी रास्ते से वापस भी आना पड़ेगा। ओ तेरी, जूते भीग गए, इतना पानी है। मोमेंटम मोमेंटम निकल गई। नहीं, इधर बनता है। हैं? इधर से बना के जाना। बना दीजिए। ये सो लागे क्या निकाल? हैं?
600 नेपाली, ठीक है। सो यहाँ से एक परमिट बनाया जिसका प्राइस है 600 रुपये, 600 रुपये नेपाली, यानी कि कुछ 375 रुपये इंडियन, और आगे से कुछ 2000 रुपये नेपाली का एक और बनेगा, तो 2600 रुपये में हो जाएगा काम। और अगर यही परमिट मैं वहाँ से बना के लाता तो 1200-1300 का बन के आता, लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं था मेरे पास, इस कारण से अब यहाँ करके परमिट बनवा रहा हूँ। कोई नहीं, अगर मैं मुस्तांग के बिना ही चले जाता यहाँ से तो शायद से वो और ज़्यादा महंगा पड़ता मुझे। तो अगर मैं मुस्तांग किए भी नहीं चले जाता तो मुझे और ज़्यादा महंगा पड़ता, बशर्ते मैं डबल चार्ज दे दूँ यहाँ पर। तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डबल चार्ज दे दिया है। कम से कम यहाँ से ये है कि यहाँ पे हाथों हाथ बना तो रहे हैं, वहाँ जाता तो वहाँ पर ऑफिसों में घुमाते ही रहते हैं। एक बार हम भंसार बनवा करके देख चुके हैं काठमांडू में, भाई साहब ऐसा घुमाया कि आज तक घूम ही रहे हैं। अभी हूँ तातोपानी में और कुछ 105 किलोमीटर हम लोग चल रहे हैं। हालत डाउन होती जा रही है धीरे धीरे, बहुत थकान होती जा रही है। सो वो आपको अगर ऊपर झरना दिखाई दे रहा है तो भाई साहब क्या भयंकर बह रहा है, देखो। दो मिनट दिखाता हूँ, रुक जाओ। सो वो देखो झरना ऊपर से, भाई साहब क्या मस्त बह रहा है। और एक कैमरे में मेरे ख्याल से इतना बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से लग रहा है जब मैं रियल देख रहा हूँ उसे, इतना भयंकर लग रहा है ना कि पूछो मत। और मे भी यहाँ पर कुछ डैम भी बनाया जा रहा है और मे भी पानी पीछे काफ़ी रोका जाएगा। और ये देखो, वो देखो, ये देखो कौन छुप के देख रहा है वहाँ से, देखो ये यहाँ 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 इस पॉइंट में, देखो इस पॉइंट में, ये पॉइंट में, ये देखो कौन छुप के देख रहा है। बादल आ गए हैं उसके ऊपर, बादल आ गए ऐसा। अभी मेरे को निंजा 300 और एक डोमिनर वाले भाई मिले थे, बैंगलोर से थे, उनकी निंजा 300 के नीचे ऑयल कैप थी वो टूट गई थी। तो कह रहे हैं कि जो जोमसोम से मुक्तिनाथ का जो रूट है उसके बीच में एक रिवर पड़ती है और उसमें घुटनों तक पानी है, तो वहीं पर उनकी बाइक किसी पत्थर से टकराई और उसका ऑयल कैप निकल गया। निंजा 650 का ऑयल कैप जो होता है वो एग्जॉस्ट के ऊपर होता है और मे भी उनका एग्जॉस्ट के नीचे था, इस कारण से टूट गया। अब देखो क्या होता है, देखेंगे। ज़्यादा हार्ड लगा तो वहाँ से टैक्सी करूँगा, क्योंकि बाइक को नुकसान नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। मज़े के चक्कर में ऐसा ना हो कि मैं वापस आने लायक जा रहा हूँ। होप फॉर द बेस्ट। तो एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग और आई है, ये तो बच्ची है, बच्ची थी, लेकिन इसकी मम्मी आगे हैं। ओहो क्या बात, चढ़िया रहना, चढ़िया, शाबाश मेरी जान। भाई साहब पहाड़ देख रहे हो, क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं यार, गजब मजा आ गया। ओहो एक छोटा तालाब आ गया, छोटा तालाब, अब इसे कोने से पार किया जाए या बीच में से, साइड से करेंगे। तो रास्ते में काफ़ी सारे लॉज मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी लॉज है रास्ते में रुकने के लिए, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। खेती भी अच्छी खासी हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो उपजाऊ है और पानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो खेती होना तो यहाँ आम बात है।
सो एक बस आ रही है, मुझे रास्ता छोटा लग रहा है आगे, तो यहीं रुक जाता हूँ दो मिनट। फूल लगी, ओ भाई साहब, इसमें अगर दूसरी गाड़ी आ गई तो फंस गए। निकल लो फटाफट यहाँ से। ओ माय गॉड, इसे देखो यार, ये अच्छा हुआ ये पुल बना दिया, नहीं तो इसे पार करना ज्यादा मुश्किल होता। जल्दी से एक पिक्चर क्लिक करते हैं, पता चला आगे पीछे से कोई आ गया तो हो गया काम। गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई, निकलो। और नहीं भी नहीं दे रहा यार ये। मैं यहां से हॉर्न बजा रहा हूँ, वो बंदा वहां से हॉर्न भी नहीं दे रहा है, अपना मजे में है। यहाँ जगह मिल जाएगी उसे जाने की। भाई साहब ये वाला रास्ता लगा मुझे अब तक का सबसे डेंजर पार्ट। एकदम पतली सी रोड है, कोई आ नहीं सकता, जैसा कि जोजिला पास है ना उसी टाइप का रास्ता है। और वहाँ तक दिख रहा है, वो देखो वो एंड तक दिखाई दे रहा है, और कोई गाड़ी आ गई तो फंस जाएंगे। वाह गजब यार, ये तो लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया भी है, यहाँ लैंडस्लाइडिंग भी होती होगी। चल 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 चल, शाबाश नैना, शाबाश शाबाश नैना, नैना 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 मेरी जान, शाबाश शाबाश शाबाश, हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए। भाई साहब अब लगने वाली है वॉट, अब वॉट लगने वाली है शाओ हो, बहुत ज्यादा है। तो नैना को मानना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानती हमारी नैना। शाबाश नैना शाबाश, तू दिल्ली चल, तुझे 97 ऑक्टेन पिलाऊंगा मेरी जान, बस दिल्ली पहुंच जा इस बारी।
साउंड ऑन कर सकता हूँ इसको। बहुत अच्छा साउंड है। थैंक यू। ये सारे जानवर यहाँ मिल जाते हैं सर देखने को? गजब। सो एक चेक पोस्ट ये है। एक क्रॉस कर दो पहले। इस चेक पोस्ट पे केवल एंट्री हुई है, आपका भंसार अनुसार चेक होगा नॉर्मली। आगे एक चेक पोस्ट और बता रहे हैं नज़दीक में, वहाँ पर अगला परमिट बनना है जो कि करीब करीब 2000 नेपाली का होगा। अगर वही मैं पोखरा से बनवाता तो 1000 नेपाली का बनता, यहाँ पे 2000 नेपाली का है। तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा परमिट लगेगा अभी। यस सर। परमिट है सर, एक कैप परमिट। एक भंसाड़? नहीं नहीं, परमिट सर, परमिट। तो वो नहीं है सर को? तो वाला परमिट नहीं है सर आपके पास? नहीं। ये वाला? ये वाला था, एक तो पीछे दिया था। वो तो टीम से सर। वो अलग है? वो वाला से। नहीं सर ये नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। एंट्री परमिट जो है वो आपका पोखरा से भी बनता है, लामजुंग से, काठमांडू से, सब जगह से बनता है। टाइमिंग है 10 से 5, विंटर में 10 से 4। ये लामजुंग और पोखरा की टाइमिंग है। काठमांडू की टाइमिंग 9 से 4, विंटर में भी 9 से 4, और यहाँ पे 9 सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। और अगर आप वहाँ से बनवाते हैं काठमांडू पोखरा से तो 1000, यहाँ से 2000। सो अपना परमिट बन गया है। एक्सक्यूज मी भैया, सो अपना परमिट बन गया है पोखरा काठमांडू से। अगर पता होता काठमांडू से बनवा सकते हैं तो काठमांडू से बनवा लेते। खैर अभी तो यहाँ का कंफर्म ही नहीं था हमें आना है नहीं आना है। मौसम भाई साहब धांसू होता जा रहा है यार। एक घंटा और बता रहे हैं यहाँ से जोमसम, मज़ा आएगा। अगर एक घंटे में पहुँच गया मैं तो मज़ा आ जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहे हैं, अभी 2:30 मतलब 2:45 बज रहे हैं, मतलब 4:45 बजे तक भी पहुँच जाऊँ अगर ना तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब। टांग अकड़ गई सही बताऊँ तो। ओए मेरी पानी की बोतल रह गई। सो मुस्तांग का जो असली एरिया है वो यहाँ से शुरू हुआ है, ये है घासा नाम से जगह है। तो यहाँ से अब जो मुस्तांग रीजन है वो चालू हो रहा है और देखो क्या देखने को मिलता है। ओहो ये तो पत्थर वाला रास्ता आया है काफी। बच गई भाई साहब, बच गई। उछली तो काफी थी लेकिन आगे निकल गई। ओ माय गॉड, और लगती तो बहुत भयंकर ही लगती क्योंकि वहां पे आप किसी में की वहां पे सारी साइड पत्थर ही थे। चल 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 नैना चल। भाई साहब ये बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है इसुजू का। ओहो कुछ चीटी सी काटी यार, हेलमेट के अंदर कुछ काटा। मर गए मर गए मर गए।
भाई साहब भाई साहब भाई साहब, उतरने को तो उतर गई, कल चढ़ेगी कैसे इस पे यार। कुछ गर्दन पे काट लिया बहुत तेज। हाँ अब इस समय मैं देख भी नहीं सकता ढंग से, समझ नहीं आ रहा क्या काटा, बहुत तेज जलन कर रहा है। वाओ वाओ यार, भाई साहब ये देखो क्या वाओ लगा है, एग्जॉस्ट नीचे पाइप उसका, ये देखो भाई साहब क्या बात है। ये पहाड़ लैंडस्लाइड हो रखा है या ऐसा, ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन लग बड़ा गजब रहा है। ओ तेरी, साला बाइक न्यूट्रल भी हुई तो पानी के बीचों बीच जाके हो गई। हाँ ये वाला ज्यादा बड़ा लग रहा है। चलो भाई साहब, भयंकर लगी बाइक नीचे से। ओह ये तो मूड खराब हो गया सारा, बहुत भयंकर लगी, साइड में रोकनी पड़ेगी। जो चीज नहीं चाह रहा था वही हुई। ओके इस पोर्शन में लगी बाइक। हाँ इसका ऑयल कैप का है, कुछ नहीं हुआ। अब देखता हूँ गर्दन पे क्या काट रहा है यार। शिट निकल गई निकल गई, अगर नहीं निकलती तो फंसी रह जाती फिर। ओह माय गॉड,
अभी देते देते लेते में पहुंच गया हूं। ये देख रहे पहाड़ भाई साहब क्या गजब लग रहे हैं, एकदम ऐसे एकदम ढलान पे चट्टान है भाई साहब। यार उस साइड तो भयंकर बादल हो रहे हैं, बारिश ना हो जाए बस, मैं कल पार हो जाऊं बस, यहां से मुझे बाहर भेज दो आराम से, उसके बाद आप मानसून लाते रहो भगवान। भाई साहब ये क्या अजीब सी रोड बना रही है पत्थर की, सारी पार ही नहीं हो रही है तो माय गॉड। अरे रे 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 मुर्गो, एक चेक पोस्ट यहाँ पर थी लेकिन उन्होंने ऐसे ही जाने दिया। वाह यार वाह, सामने के व्यू तो अलग ही होते जा रहे हैं। दो वाटरफॉल मुझे बड़े बड़े वहां दिखाई दे रहे हैं और मे बी वो अपर मस्टैंग का एरिया हो सकता है, अब पता नहीं कौन सा एरिया है क्या है, लेकिन लग बड़ा गजब रहा है भाई। ओ हो, वाटर क्रॉसिंग इस बार बीच में से नहीं करेंगे, पिछली बार बीच में से करी थी तो जूतों में पानी भर गया, अभी तक नहीं निकला है, अब वो जूतों का पानी निकालना पड़ेगा जाकर के। सो फाइनली अब ये पोर्शन क्रॉस करना है और पानी का प्रेशर मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, चलो करते हैं देखा जाएगा। नैना तेरा इम्तिहान है ये, चलो और शिट यार जूते में पानी भर गया। हाय हाय पूरे जूते गीले हो गए। आगे सारा जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहीं से, मैं भी कुछ काम चल रहा है आगे, अब पता नहीं कितनी देर बाद फ्री होते हैं वहां से, ये तो वहीं जाके पता चलेगा। किधर से निकला जाए, ये पत्थर ना हो बस बड़ा कोई, कितने बजे तक क्लोज हो गए? 6:30 में ओपन होगा। ओह माय गॉड, कहाँ से आए हो? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से कितने दिन लगे हो? मैं रुक रुक के आया हूँ, काठमांडू, पोखरा, चाइना बॉर्डर। आई जूते चाइना बॉर्डर उधर कौन सा वाला? रसुआ। नहीं रसुआ में ये रास्ता में गाड़ी में आने के लिए होता है क्या? ये रास्ता में आ गए सर, बस बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं पानी रख गया पूरा वहां पर। अरे बाहर भी आ गया। सो फाइनली रास्ता क्लियर हुआ है कुछ, लेकिन आगे एक बहुत बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है,
कह रहे हैं कि आगे एक रिवर क्रॉसिंग आएगी और अपनी तो हालत यहीं टाइट हो चुकी है। ओहो उई बच्चा, बच गई बच गई बच गई। हाँ ओह शिट, इस रास्ते से कल टाइम से निकलना पड़ेगा क्योंकि कह रहे हैं कि 2 बजे के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है। ओ माय गॉड, अब आगे एक रिवर क्रॉसिंग हमारा इंतजार कर रही है। अब देखो कहां पर आती है, कितनी होती है, कैसी होती है। ओ माय 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 ओ माय माय, अरे तो ये थोड़ी सी नदी का हिस्सा क्रॉस करना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज इसमें पानी नहीं है। वाह 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 मजा आ गया, पानी नहीं है। अगर इसमें पानी होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि ये जो क्योंकि इसमें गड्ढे काफी ज्यादा हैं और बड़े पत्थर अगर आए थे तो बाइक में प्रॉब्लम हो जाती। वो लगा तो अभी पीछे से एक रास्ता मुड़ा है, कह रहे हैं कि जोम सोम इसमें आएगा। हाँ मैप भी इसी में दिखा रहा है। ये राइड सच में यादगार रहने वाली है, मजा आएगा यार एक बार कंप्लीट हो जाए, एक बार इस तरफ और उस तरफ का कंप्लीट हो जाए मजा आ जाएगा। अरे यार ये मुर्गी कुत्ते सब अभी बीच में आने हैं क्या। ये रास्ता भाई साहब, ये रोड में नदी है या नदी में रोड है समझ में नहीं आया कुछ। अगर इसका हल्का सा भी ओवरफ्लो होता होगा तो सारा पानी इसमें होता होगा। गजब यार, सो फाइनली नेपाल के पहले ग्लेशियर दिखाई दिए हैं।
वहाँ ऊपर चोटी में दिखाई दे रहे हैं और उधर दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ से तो पानी आने का रास्ता भी है। वाह मजा आ गया यार, इस ट्रिप में बहुत कुछ देखने को मिल गया। अभी ग्लेशियर जो बर्फ है वो बहुत ऊपर है, अभी नीचे तो है नहीं, वो आपको वो जो दिखाई दे रहा है वो कम से। अबे यार ये बस वाला भी ना परेशान करके छोड़ेगा, निकल भाई। धूल उड़ाएगा भी। तो अब फाइनली पहाड़ों में से जो पेड़ है वो गायब होने शुरू हो गए हैं, ये देखो यहाँ कम है वहाँ कम है, और आगे वाले में तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन लेवल जो है वो खत्म होता जा रहा है। तो अब ये जो पहाड़ है ये लद्दाख की कैटेगरी के पहाड़ आने वाले हैं, लद्दाख और स्पीति की कैटेगरी के जो पहाड़ होते हैं। लो जी पहुंच गए आप असली मुस्तांग में, वो देखो सामने क्या गजब लग रही है यार, बिल्कुल अलग, सबसे अलग अलग क्रिएशन लग रहा है। देखो बाकी पहाड़ियाँ अलग अलग है और उस पहाड़ी को देखो बिल्कुल ही अलग रूप है इसका। तो ऐसी पहाड़ी स्पीति में भी देखने को मिलती है, जब आप नाको से काजा के लिए जाते हैं तब ऐसी पहाड़ी देखने को मिलती है रास्ते में। गजब यार मजा आ गया, हालत टाइट हो चुकी है लेकिन मजा आ रहा है। जब तक हालत टाइट ना हो तब तक मजा नहीं आता, सही बताओ। और अब हालत टाइट हो चुकी है सही में, आज रात तो भयंकर नींद आने वाली है। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ मारफा, और मारफा में एक मॉनेस्ट्री कोई बहुत पुरानी यहाँ से दिखाई दे रही है, और ऊपर मंदिर वंदिर भी कुछ दिखाई दे रहे हैं बहुत पुराने से, लेकिन इनका जाने का रास्ता कहाँ से है वो नहीं दिख रहा, मे भी पैदल रास्ता होना चाहिए। वो अगर घर आपको दिखाई दे रहा है तो बाई गॉड उस पर तो उसके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, लोग वहाँ कैसे रहते होंगे यार। और ये मेरे को लग रहा है बहुत ही ओल्ड सिटी होगी, सारे घर जो हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने लग रहे हैं। और इन महाशय को देखो, एक फोटो तो बनती है इनके साथ इंस्टाग्राम की। सो इंस्टाग्राम आईडी है इंडिया ऑन रोड ट्रिप, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। ये जितनी भी आज मैंने फोटोज पिक्चर क्लिक किए हैं सारी की सारी इंस्टाग्राम स्टोरीज और इंस्टाग्राम की अपडेट्स में जाएंगी। वाह वाह वाह, भगाओ भगाओ भगाओ, हम नहीं भगा सकते, तुम भगाओ। पता नहीं चल रहा कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, ये सब रास्ता कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आगे कुछ शहर सा दिखाई दे रहा है लेकिन गूगल कह रहा है कि यहाँ से मुक्तिनाथ के 30 किलोमीटर के 5 घंटे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड कब आएगा ये, भाई साहब हालत ख़राब हो गई अब तो, अब तो आ जाओ। तो लो जी फाइनली हम पहुंच गए जोम सोम, और ये जोम सोम का एयरपोर्ट अभी भी नया बना है जस्ट, ये मेरे राइट साइड में जोम सोम का एयरपोर्ट है, और ये है जोम सोम शहर। अब फटाफट से ढूंढते हैं होटल और करते हैं रेस्ट, टाइम हो गया है 6:15, काफ़ी जल्दी पहुंच गया मैं, और क्योंकि 6:30 बजे का टाइमिंग था वहां से जहां पे जाम लगा हुआ था वहां पे छूटने का, लेकिन वहां से जल्दी छूट दिया तो हम लोग जल्दी पहुंच गए थोड़ा सा। अब मुस्तांग यहां से दिख, मुस्तांग कह रहा हूं मैं। सो फिलहाल जोम सोम में मैंने रूम ले लिया है, और ये रूम मुझे पड़ा है 400 नेपाली का, और यहाँ पे खाना भी है तो 350 नेपाली कुछ खाना पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से ठीक है क्योंकि पोखरा में भी रूम जो मेरा है वो एज इट इज चल रहा है, उसमें सामान सारा ऐसे ही रखा हुआ है, और यहाँ पर भी रूम है तो डबल क्रॉस पड़ गया है। छोटा सा रूम है तो एक बेड ये है, एक बेड ये है,
बाथरूम इसमें नहीं है, बाथरूम शेयर्ड यूज करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ये है, और कमरे के बाहर से व्यू देखो भाई साहब, ये देखो ये। मेरा तो मन कर रहा है कि बस यहाँ पर कंप्लीट टिकाऊं और इसको देखते रहूं, क्या सुंदर लग रहा है यार, धूप की किरणें पड़ रही हैं। सो मैं सुबह चला था 6 बजे और 6 बजे से पहले यहाँ पहुंच गया था, अभी टाइम हो रहा है 6:30। तो अब कुछ देखते हैं कुछ खाने का, क्योंकि भूख लग रही है। सुबह ब्रेकफास्ट प्लस लंच किया था, ब्रंच किया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, उसके बाद से मैं लगातार चलता रहा। लगातार चलने के कारण ही मैं यहाँ टाइम से पहुंच पाया हूँ, वरना बहुत ज्यादा लेट हो जाती। बीच में एक जगह रास्ता ब्लॉक था, वो रास्ता भी टाइम से खुल गया तो पहुंच गए। तो चलो कुछ खाने का ढूंढते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली चीजें महंगी होती हैं, तो थोड़ा सा कॉस्ट पता करनी पड़ेगी। नेपाल में आप जब भी आए तो हर चीज का प्राइस पहले पता कर लें, क्योंकि काफी चीजें ऐसी हो चुकी हैं जो कि तो इसलिए आप पानी की बॉटल भी अगर ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हैं, तो पहले प्राइस पता कर लीजिए कि उसके प्राइस क्या है। क्या पता आपको पानी की बॉटल जो 20-25 रुपए की आती है वो आपको 50-60 रुपए की मिले, तो इसलिए बढ़िया है कि पहले आप पता कर लीजिए कि उसका कॉस्ट क्या है। तो चलो आपको एक रूम टूर करा था, रूम टूर तो करा दिया है, और अब रूम के बाहर का टूर कराता हूँ। सो ये है रूम के बाहर का नज़ारा भाई साहब। ये पीछे भी हैं कुछ घर या होटल टाइप के होंगे, और यहाँ से हमारा पर्वत दिखाई दे रहा है। तो हवा अच्छी खासी चल रही है, मैं कुछ गर्म कपड़े पहनता हूँ और आपको मिलता हूँ उसके बाद। सो फिलहाल टाइम हो गया 8:30 और अब मैं सो रहा हूँ, बहुत ज्यादा थकान हो रही है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, मैं कह नहीं सकता हूँ, जब वीडियो एडिट करने बैठूंगा तभी पता चलेगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज रिकॉर्ड करी है आज के रास्ते की। क्योंकि ऐसा है ना कि देखो, जिस रास्ते से मैं आया हूँ, अगर ये रोड अच्छी बन गई तो वो चीज नहीं रह जाएगी जो मैंने आज एक्सपीरियंस करी है। तो हम अपने जब बूढ़े हो जाएंगे या फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे तो उनको दिखाएंगे, देखो सालो हमने क्या किया था, तुम तो खाली रोड पे दौड़ रहे हो। तो मैंने इसलिए एक एक चीज रिकॉर्ड करी है, और एक एक चीज मैं इसमें कोशिश करूंगा कि एक एक चीज आपको दिखा सकूं। तो फिलहाल इस वीडियो को एंड करता हूं, आपको मिलता हूं नेक्स्ट डे में। प्रॉब्लम ये चल रही है कि मुझे कल ही वापस पहुंचना है पोखरा, और यहां से मुक्तिनाथ करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का रास्ता बता रहे हैं। 1.5 से 2 घंटा जाना, 1.5 से 2 घंटा आना, और उसके बाद मुक्तिनाथ को एक्सप्लोर करने का टाइमिंग थोड़ा सा मेरे लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि मुझे वापस पहुंचना इसलिए जरूरी है क्योंकि 26th तक मेरे पास भंसाड़ है, और 26th को मुझे इंडिया को एंटर कर जाना है, तो मैं कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहता उसमें। तो अब सुबह अगर मैं जल्दी उठता हूँ टाइम से तो मैं मुक्तिनाथ जाऊंगा, और अगर नहीं उठता हूँ तो नहीं जाऊंगा। ऐसा मैंने सोचा है कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी आएंगे, ऐसा देखो क्या होता है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज राजकुमार फ्रॉम इंडिया ऑन रोड ट्रिप, बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सो जाएं, नींद आ रही, बाय बाय, खुदा हाफिज, बाय बाय। ओह माय गॉड, इस भाई को देखते हैं कैसे निकालता है, क्योंकि लोकल से ज़्यादा अंदाजा होगा यहाँ का। निकाल भाई निकाल, 1, 2, 3। ओहो हो, गिर गया 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 भाई, बंदे की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। पीछे ले, आगे नहीं लेनी है। ओहो, मैं भी गया काम से। एक मिनट, प्रेशर बहुत तेज है, पीछे ले लो। इसमें नहीं जाऊंगा। अपुन किधर था मालूम नहीं, अपुन को बस हेल्प मारनी थी। और इस पे लिखा है कि जंग का वक्त आ गया। हिरोशिमा नागासाकी, जंग की तैयारी करके बैठे हैं और दुश्मन के बारे में पता ही नहीं आपको। लाइफ हराम हो गई थी सरदार जी, जैसे अब आपकी होने वाली है। बोले दो गेम ओवर। बच्चे से काम, काम बच्चे से राम नाम, सत्य ये खुले आम हत्या ये काम। बच्चे से काम, बच्चे से सुन ले दो अच्छे से, डर जा मरने काम। बच्चे से काम, काम बच्चे से मेरे जैसे एक तेरे जैसे 36 है काम। बच्चे से काम, काम बच्चे से मालूम पड़ा ये खेल इन सब चूतियों से, आपसे, मुझसे बड़ा है।